होना। हाँ जी देखो आप मल्टीप्लाई स्टार्ट कर रहे हैं अज उस दिन आप जी पिछली क्लास सबट्रैक्शन जी एडिशन से कर ली आप मल्टीप्लीकेशन करा सब तो पहला की है जी आप फिलिंग द ब्लैंक्स में सत्त को जीरो ने मल्टीप्लाई करनी है सत्त गुणा जीरो कि आजगा जी अपने को। हाँ जी बच्चे बोलो हेलो हेलो हाँ जी सर 7 इनटू 0 कितना आऊंगा 7 मल्टीप्लाई विद 0 7 को 0 में गुणा करेंगे तो कितना आऊंगा 7 0 तो 0 कितना आऊंगा जी 0 सर। हाँ जी ठीक है 6 में 1 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाऊंगा 6 1 तो 6 सर। अगे सी पार्ट में किया होगा 9 इनटू 1 9 बच्चा 9 सर। अच्छा अगे डी पार्ट किया होगा 71,547 को मल्टीप्लाई करनी है 1 नाल डी जरा सही है आपने जेड़ा भी आंसर दे रखा यही बन जाऊगा ना 71,547 इट मींस की है जे आपा किसी भी नंबर को किसी भी नंबर को जब आप इक्वल मल्टीप्लाई करते हैं तब वही नंबर का अपने को की आ जाता है आंसर आ जाता है। लग जी गल समझे जब उधर आप 6 को 1 लगा कि 6 आ गया 9 को 1 लगा कि 9 आ गया तो इस चीज में 1 का मल्टीप्लाई करके अपने को यही नंबर आ गया। ठीक है जी ठीक है सर हमें करेंगे ठीक है। देखो जी ना कि केड़े क्वेश्चन है अपने को इधर ई पार्ट देखो। हाँ जी बच्चों इसकी आंसर आऊंगा 963 into 0। हाँ जी बेटा बोलो मैं सर 0 किसी भी नंबर को 0 ना मल्टीप्लाई कर दे कि आ जाएगा 0। ओके एफ पार्ट में क्या होगा एरे बच्चों की आ गई अपने को जीरो आ गई ना। हाँ जी मान लो जब आप जीरो 32 का मल्टीप्लाई कितना कितना बन जाए 0 बन जाएगा फिर आप जीरो 47 लगा के ताकि 0 बन जाएगा 0 33 ना करा के ताकि 0 बन जाएगा ताकि आंसर आ गया तो 0 आ गया 0 क्योंकि लगातार मल्टीप्लाई बीच एक 0 ऐड 0 जो है भी है तो सारे आंसर की बन जाएगा 0 बन जाएगा। ओके जी वाच के नाम खराब को बोलो 1 1 1 सर। एच पार्ट के 0 सर। ठीक है जी क्वेश्चन नंबर 1 हो गया जी कंप्लीट। आगे देखो जी क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड फिल इन द ब्लैंक्स फॉर 20 और 30 ना मल्टीप्लाई करनी है। देखो पुत्र ये क्वेश्चन आप कैसे करते होंगे सिंपल सी चीज है जेड़े क्वेश्चन के पीछे 0 आ जाएंगे पहला 0 छोड़ दो तुझे सपोज करो कि 0 है ही नहीं तो आ नंबर कितना बाकी रहेगा अपने को 2 आ कितना बाकी रहेगा अपने को 3 इन दोनों की मल्टीप्लाई 3 सर 6 सर 6 बन गई। सुन 0 ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ 1 0 ਆ ਸੀ 1 0 ਆ ਸੀ 0 ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ 2 ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 2 0 ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ 20 ਦੀ 30 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਓਕੇ ਸਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ 0 ਹੋਣਗੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਬੀ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਬੀ ਪਾਰਟ ਕਰੋ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ 500 ਰੁਪਏ ਮੇਰੇ 5000। हाँ जी देखो पहला आप आर जीरो छोड़ देंगे पहला आप अकेला की देखा फोर देखा ना पहला आप अकेला थ्री देखा फोर इंटू थ्री करा कितना आ जाएगा 12 सर 12 आ गया जी। जीरो के लिए एक दो तीन जीरो है ना तीन जीरो लगा लगे आप पीछे हो गया जी आंसर। ठीक है जी ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੀ ਪਾਰਟ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰੋ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਰ 8 8 ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ ਅੱਗੇ ਬੇਟਾ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਲੱਗੂਗਾ 0 ਕਿੰਨੀ ਆਣਗੀਆਂ 4 0 ਆ ਸਰ 4 ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਦਾ ਹੁਣ ਡੀ ਪਾਰਟ ਦਾ ਕਰੋ ਜੀ 4 ਸਰ डी पार्ट का तो डी पार्ट का सी थोड़ा ठीक हो गया अगे डी पार्ट का आंसर बोलो
बोल दिया सर इधर नाइन है लेफ्ट नाइन है ना कितना आ जाऊंगा हाँ जी बोलो 12 इनटू 2 कितना होगा 24 सर 24 दो जीरो पीछे लगा देंगे है ना ये आंसर आ जाएगा सेम जी पार्ट अपने को 8 इनटू पहला की करना है अपने 11 है ना कितना आ जाएगा 88 सर जीरो कितने लगाओगे 3 सर एच पार्ट दो सर ठीक है जी अपने कोले आगे देखो ओके सर आगे देखो तो हम क्वेश्चन नंबर 3 देखो जी क्वेश्चन नंबर 3 इधर ए पार्ट पहला की लिखा है ये अपने कोले 309 को अपन की जरा मल्टीप्लाई करनी है 42 नाल 309 को 42 नाल मल्टीप्लाई करनी है हां जी ए ए ए से मांगे ना यूज करनी मल्टीप्लाई यस सर अब इधर मैंने कॉपी पे भी करके फोटो पे जो ठीक है फिर कॉपी पे अपना काम कर ही जाओ फिर एम ई बी पार्ट है एम ई सी पार्ट है एम ई डी पार्ट है ठीक है जी ओके सर एक पार्ट आप जो है कर देने हैं कि ए पार्ट आप कर देने हैं मल्टीप्लाई का 309 को मल्टीप्लाई करनी है 42 पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे अपन सारे ना 2 * 9 18 पूरे किया गया 1 20 0 1 2 * 3 कितना आ जाएगा 6 ठीक है जी फिर पूरे किया हमारे को मल्टीप्लाई का साइन 4 * 9 36 ठीक है जी आगे आगे अपने को कैरी आ गया 3 4 0 0 5 ऐड कर देंगे 3 4 * 3 कितना आ जाएगा 12 फिर अपन जो है इनको ऐड कर देंगे वर्टिकली तो कितना आ गया जी 19 12978 ये अपना इस तरीके से मल्टीप्लाई करनी है ये सुनो वैसे आती होगी सारे बच्चों बी सी दे डी पार्ट सी कर ठीक है जी मैंने सुनो पीडीएफ सर सुनो मैं जी पेज रख लिया ना ओदे विचो कर हां जी सर हां जी अगे देखो ये क्वेश्चन नंबर 4 देखो इदे विच की आवे कोई मैं सुनो एदा सिर्फ ए पार्ट सिर्फ मैं सुनो समझाऊंगा चंगी तरह अगे बी पार्ट सी पार्ट डी पार्ट ते ई पार्ट तुसी आप कर देखो तो ये ए पार्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਕਸ ਹੈ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਇੱਕ ਬਾਕਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ 5 * ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮਤਲਬ 5 ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਗੁਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈ 5 ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ 5 ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਬਾਕਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫਿਟ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 25 ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ 5 ਨੂੰ 7 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ 5 * 7 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 35 ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਆਪਾਂ 5 ਨੂੰ 19 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 95 ਆ ਗਿਆ 5 ਨੂੰ 30 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 65 ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜੀ 65 ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ 35 ਦਾ 65 ਫਿਰ ਆਪਾਂ 5 ਨੂੰ 8 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 40 ਆ ਗਿਆ 5 ਨੂੰ 11 ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 55 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਟਰਨ ਫਾਲੋ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸੇਮ ਬੀ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਾ ਗਿਆ ਭਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤੋਂ ਰੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ 8 ਲਿਖਿਆ ਹੈ 8 ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੇ 7 ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 8 7 ਦਾ मल्टीप्लाई करांगे आपां कितना आ जाऊगा
अगे देखो जी 15 नो 8 ना मल्टीप्लाई करो जी 15 नो 8 ना 15 8 सब तो पहला यही होमवर्क है ਤੁਸੀਂ ਟੇਬਲ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹਾਂਜੀ ਹਲੋ ਨਹੀਂ 25 ਲੱਖ ਦਾ ਲੋਟਰੀ ਲੱਗਾ ਸਾਨੇ ਲੋੜ ਕਾ ਲੋੜ ਕੋ ਜੀ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲ ਕੇ ਵੇਚਦਾ ਜੀ ਉਹ 400 ਲੀਟਰ ਦਾ ਪਰ ਕੀ ਦਾ ਹੈ 28 ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲ ਕੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਕ ਸੈਲ ਇਨ ਕਿਨੇ ਇਨ 28 ਡੇਜ਼ मल्टीप्लाई करनी है ठीक है जी मल्टीप्लाई तुझे करनी है आज भी अपने को 12500 ठीक है बेटा क्वेश्चन नंबर 7 से आगे देखो जी 7 तो बाद की है जी अपने को क्वेश्चन नंबर 8 है ये भी तो सिंपल मल्टीप्लाई है ये तुझे अपने आप करनी है जी मल्टीप्लाई सारी है हां जी देखो ਇਹਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 8 ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਹਿਲਾਂ 3225 ਨੂੰ 500 ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਐਵੇਂ 6 ਪਾਰਟ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਲੱਗ ਜੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਸਰ